जैसलमेर के नाचना में एसीबी ने अपना डेरा डाले हुए हैं, जहां पर बिजली विभाग के कार्यालय में कार्रवाई करते हुए सोमवार को रिश्वत लेते हुए आरओ और लाइनमैन को गिरफ्तार किया था, जिन्हें बिल के निस्तारण के एवज में सहायक अभियंता कार्यालय से 20,000 रुपए के घूस लेते हुए ट्रैप किया गया। इस मामले में एसीबी के DYSP अनिल पुरोहित ने यह बताया कि तीसरे आरोपी JN सुनील कुमार से भी पूछताछ की जाएगी और दोषी करार होने पर उन पर भी कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि आरोपियों के फोन से डिस्कॉम के JN सुनील कुमार से बातचीत की जानकारी सामने आई। जब सुनील कुमार ने अपना हिस्सा खर्च न करने की बात कही और आरोपी को कहा था कि वो नाचना आएगा तब अपना हिस्सा लेगा, ऐसे में एसीबी ने JN के घर पर दबिश दी, लेकिन एसीबी के जाने से पहले ही JN फरार हो गया। जैसलमेर के नाचना से आपको खबर बता रहे हैं, बिजली बिल के निस्तारण के एवज में ये घूस मांगी गई। एआरओ बिजली का और लाइनमैन के साथ JN भी अब घेरे में आ चुका है एसीबी के। 20,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए कल दो लोगों को ट्रैप किया गया था। उसके अलावा फोन, जब कॉल डिटेल्स इनकी निकाली गई तो एक और सहयोगी से बात की, यहां पर जानकारी सामने आ रही है। उसने कहा कि अभी वो नाचना में नहीं है, जब नाचना आएगा तब अपना हिस्सा लेगा। और इसकी भनक लगते ही जब एसीबी ने उसके घर पर दबिश दी तो उसे भनक लग गई कि एसीबी की इस प्रकार की कार्रवाई जारी है, तो उससे पहले ही वहां से भाग छूटे। तो एआरओ, लाइनमैन और JN तीनों इस पूरे चीज में, इस पूरे वाक्य में साथ में शामिल रहे। 20,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों कल ट्रैप किया गया था। जैसलमेर के नाचना से आपको खबर बता रहे हैं, बिजली के बिल के निस्तारण के एवज में और आने वाले दिनों में जो बिजली का बिल है वो ज्यादा नहीं आएगा, इस चीज का आश्वासन देकर के 20,000 की घूस मांगी गई। और इसी खबर पर अधिक अपडेट के लिए एवन संवाददाता नीरज कुमार शर्मा फिलहाल फोनलाइन पर जुड़ चुके हैं। नीरज, एक और JN की भूमिका इस पूरे घूस मामले में सामने आ रही है, फिलहाल क्या पूरी अपडेट है आपके पास? जी जयती, कल जो कार्रवाई एसीबी ने की थी यहाँ से जी 20,000 की रिश्वत प्रकरण में, इसमें तीसरा भागीदार JN ने, उनका नाम है सुनील कुमार, उसको भी उसके घर पर जाकर जब एसीबी ने दबिश दी थी तो उस वक्त वो वहाँ से फरार हो गया था। एसीबी की कार्रवाई चल रही है अभी और तीसरा आरोपी भी इसमें शामिल होने की बात चल रही है। जी जी जी, तो अभी कितने दिनों तक एसीबी वहां पर अपना घेरा डाले रह सकती है, अभी क्या जानकारी मिल पा रही है? क्योंकि वो तो जब अपने घर से, उनके घर पे जब उन्होंने दबिश दी तो फरार हो चला जो आरोपी था तीसरा। एसीबी के DISP अनिल पुरोहित से बातचीत हुई थी हमारी, तब उन्होंने बोला था कि आज हम नाचना में दो आरोपियों को जो है वो जोधपुर एसीबी कोर्ट में पेश कर देंगे और उसके बाद उसकी भी गिरफ्तारी चल रही है, जल्द ही उनके तीसरे आरोपी जो JN है सुनील कुमार, उसको भी गिरफ्तार कर दिया जाएगा। जी जी जी, तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया धीरज।